हेलो बच्चों, क्या हालचाल आपका। हम लोग क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, हम आज बहुत ही धांसू तगड़े बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं, और न्यूमेरिकल्स ऑन कॉम्बिनेशन, वो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स होंगे। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपनी पेन कॉपी निकाल लें बिल्कुल अच्छे से, और जस्ट स्टार्ट हो जाए, है ना। और प्रेस द शेयर बटन, लोगों को शेयर कर दें वीडियो, ताकि वो भी अच्छे अच्छे 10th क्लास में अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सीख जाएं। आइए मैं सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूँ, पेन कॉपी निकाल लें प्लीज़, और तब मैं आपको बोलूँ कि आप पॉज करके सॉल्व करें तो सॉल्व करना पहले क्वेश्चन, राइट। आपका आंसर आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर आपका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें जरूर, राइट। मेरी बात सुनना, पहला क्वेश्चन, पहला न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ बच्चों, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, और जरा सोचना कि तुमसे हो या ना हो, लेकिन ट्राई करना एक बारी। क्या कहा उसने, उसने कहा कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं ऐसे, 1, 2 और 3, राइट। अरे सर सीरीज में है, और यहाँ पर ये एक की वैल्यू, ये दूसरे की वैल्यू, और ये तीसरे रजिस्टर की वैल्यू, राइट। और उनको इस तरीके से कंबाइन कर दिया, ये ऐसे इसमें तार जोड़ दिए, ठीक है भाई। और आपसे कहा गया कि बताइए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और आपको कहता है कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट, कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बताइए। पॉज करें स्क्रीन, जल्दी से सॉल्व करें, अगर आपका आंसर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। फास्ट पॉज करके सॉल्व करें। चलिए आपने ट्राई किया होगा, पता नहीं कौन से आंसर क्या आया होगा, है ना। ऑप्शन देता हूं मैं, ऑप्शन देता हूं, टिक करना। ए ऑप्शन आया होगा, ये मान लीजिए हो गया आपका 5R। दूसरा ऑप्शन आया होगा R/2। तीसरा ऑप्शन आया होगा सी ऑप्शन इज R, एंड डी ऑप्शन आया होगा कुछ भी आर, 2R, 2/R, डी ऑप्शन इज 2/R। देखते हैं कौन सा सही होगा, है ना। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। यार यहां से हमें देखना चाहिए सीरीज या पैरेलल में है, देखा हमने पहले इसके लाइन में ये जुड़ा है कि हाँ सर लाइन में जुड़ा है, हमें सीरीज लेना चाहिए। नहीं, मेरी बात को सुना ढंग से, सीरीज कॉम्बिनेशन हम तब लेते हैं तब डायरेक्ट कनेक्शन हो दो रेजिस्टर के बीच में, दो रेजिस्टर के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होगा तो हम लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर बीच में कहीं भी जंक्शन आ गया, अच्छा ये जंक्शन क्या होता है, ऐसा कोई भी ट्रिपल पॉइंट आ गया तो हम लोग कभी भी इनको सीरीज में नहीं अज्यूम करेंगे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया और सीरीज में करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ करता है, तो इसका मतलब सीरीज तो नहीं है। हाँ, पैरेलल में क्या देखा करते हैं, पैरेलल में देखते हैं कि पॉइंट ये ए है और ये पॉइंट बी है, तो हर एक रजिस्टर का एक एंड पॉइंट ए से जुड़ा होना चाहिए और दूसरा एंड बी से जुड़ा होना चाहिए। लेट्स चेक, इस वाले रजिस्टर का ये वाला एंड ए से जुड़ा है, क्या इसका दूसरा एंड बी से जुड़ा है, हाँ बी से जुड़ा है, बीच में कोई रजिस्टर नहीं है। इस वाले रजिस्टर का एक एंड बी से जुड़ा हुआ है और दूसरा ए से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। इसका एक एंड ए से जुड़ा हुआ है और दूसरा यहां से डायरेक्ट बी से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये तीनों कैसे हैं भाई साहब, ये तीनों तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। एक लग तो ये कैसे रहे थे सीरीज में, दो, लेकिन निकले किस में, ये पैरेलल में, ये तीन, और यहां से इनकी वैल्यूज दे रखी है 2R, 2R, R। कैसे सॉल्व करें, अब तो बस सॉल्व करना है यार, 2R + 1/2R + 1/R LCM, मैं ही करूं क्या, तू ही कर भाई। 2R यहां से कितना आया, 1 + 1 + 2 कितना, 2 × 1 = 4, 5 = 4, 4 / 2R, 2 × 2 = 4। सर 2/R आंसर आ गया, टिक करो डी, नहीं 2/R आंसर आया, टिक करो डी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां से वैसा 1/R इक्विवेलेंट निकाला है और आपसे पूछा था R इक्विवेलेंट, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इनवर्स करना पड़ेगा, यानी कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, R/2। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये एक सही जवाब है, और R/2 कहां है पर हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगर आपका सवाल सही था तो अपनी पीठ थपथपा लें, और गलत था तो सीखें कैसे हुआ, और जल्दी से अपनी नोटबुक में चिपकाएं, जल्दी करिएगा। ओके बच्चों, एक नया क्वेश्चन सीखते हैं, नया कंटेंट होगा, वो नया पॉइंट होगा, हमें करंट निकालना है इस वाले क्वेश्चन में, करंट कैलकुलेट करना है। देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लीजिए हमें एक रजिस्टर दिया हुआ है, एक दिया रजिस्टर दो, उसके बाद फिर से हमें रजिस्टर दिया हुआ है इस तरीके से ही, और उन सबको एक बैटरी एक सेल के साथ जोड़ा हुआ है, और उसकी वैल्यू अपने पास 10 एम्पियर गधे वोल्ट, 10
वोल्ट, राइट। ये एक ओम का रेजिस्टर, ये यहाँ पे तीन ओम का रेजिस्टर, ये यहाँ पे तीन ओम का रेजिस्टर, ये यहाँ पर एक ओम का रेजिस्टर। तुम्हें समझाया? समझाया ही नहीं अभी तक। अच्छा, आप यहाँ पे जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिएगा कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। जल्दी से एक बार खुद से ट्राई करें, खुद से ट्राई कीजिएगा, होता है बहुत अच्छी बात, नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात, पॉज करके ट्राई करें। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखो यहाँ पे हमने देखा यार, हमें एक निकालना है क्या, आई। आई कैसे निकाले? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या? V इज इक्वल टू आई आर। बहुत बढ़िया। अगर V इज इक्वल टू आई आर तो यार यहाँ पे आई निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? V चाहिए और R चाहिए। V है क्या? हाँ V तो है। R है क्या? R यार R है तो, लेकिन तीन चार हैं, किसको ले? अच्छा किसको तो नहीं, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें? इनका कॉम्बिनेशन, यानी कि इनका इक्विवेलेंट। तो हमने क्या किया? ये एक कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ना, तीन और एक चार, और ये यहाँ पर भी सीरीज कॉम्बिनेशन, तीन और एक चार। अरे हाँ सीरीज भाई, ऐसे R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, ऐसे सीरीज में, पैरेलल में तो वन अपॉन करके सॉल्व करते हैं, तो ये तीन और एक चार डायरेक्ट सॉल्व हो गए। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे कितना आया, इसको सॉल्व करके आया चार ओम रजिस्टर, इसको सॉल्व करके भी आया चार ओम रजिस्टर, यहाँ पर आया, अभी रुक जाओ, चार और चार आए। अब ये कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको सॉल्व करके तो पक्की बात है एक रेजिस्टेंस आने वाला है, बट वो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया हुआ था एक आर इक्विवेलेंट का, अगर दो रेजिस्टर दिए हो तो कैसे सॉल्व करते हैं? दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उनका फिर एडिशन। नहीं आया कैसे? दोनों का मल्टीप्लीकेशन, चार चार सोलह, सोलह चार चार आठ, आठ दूनी सोलह, आर इक्विवेलेंट की आई अपने पास वैल्यू दो। सर नहीं समझ आया। अरे बच्चों वाले खेल करो तुम नलायक, ऐसे सीखोगे? एक बटे चार जमा एक बटे चार एलसीएम चार, एक जमा एक दो बटे चार, दो दूनी चार एक बटे दो। हो उल्टा करना पड़ेगा तो क्या आर टू, एक ही तो बात है यार। तो यहाँ से आपके पास R की वैल्यू 2 आती है, करंट की वैल्यू निकालनी, तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? I बराबर V, V कितना है 10, 10 बटे 2, 5, ओके, कितना यार 5 एम्पियर करंट की वैल्यू आई। आपका सही था तो रिपीट करें, पीठ थपथपाए, नहीं तो इसे जल्दी से चिपका दें, नया क्वेश्चन सीखते हैं, नया क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है ऐसा ही। चलिए बच्चों, खतरनाक सा सर्किट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये कैसे हुआ होगा यार? यहाँ पर क्या पूछा है, पहले मैं बता दूँ क्या दिया है उसने। एक रजिस्टर दो तीन चार पाँच छः भर भर के रजिस्टर दिए हुए हैं, कहता है एक बैटरी जुड़ी हुई है 10 वोल्ट की, तो बताइए यहाँ इस सर्किट में, इस वाली ब्रांच में, इस वाली वायर में कितना करंट फ्लो होगा? फिर से करंट निकालना है, बहुत मुश्किल बात नहीं है। आपके पास करंट का फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू वी बाय आर, आर यानी कि आर इक्विवेलेंट निकलवाया उन्होंने आपसे। अब कैसे सोचें यार, कौन सीरीज कौन पैरेलल? चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पर तो ये तो हमें पैरेलल में दिख रहा है, ये बीच में लोचा है थोड़ा सा, तो देखो ना क्या हुआ, यहाँ से हम ऐसे जाएंगे तो क्या हुआ, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस, ये दोनों कैसे नज़र आ रहे हैं आपको पैरेलल? पहले छोटे छोटे को सॉल्व करते हुए तो बड़े पर आएंगे, ये भी कैसे आ रहे हैं आपको नज़र, पैरेलल। फिर उसके बाद कैसा हो सकता है ये सीरीज, तो पहले इनको पैरेलल में सॉल्व करें। अब तो आपके पास आइडिया है, आप कैसे कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। सर समझदार हो जाओ, बन जाओ, सीख लो चीज़ों को, दोनों पैरेलल तो क्या 10 गुना में 10 बटे में 10 जमा में 10, हाँ 10 दुनी 100, 10 दुनी 100 10 नहीं 100 अपॉन 20 कितना आया 5, इसको सॉल्व करके कितना आता है 5, सेम इसी को सॉल्व करके कितना आएगा 5। तो मैं इसे हटा दूं क्या, तो आप नया सर्किट बनाना, मेरे पास थोड़े से बोर्ड की कमी है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं आपको ये वाला यहां से पार्ट हटा देता हूं, और यहां पे इन दोनों के जगह क्या लिख दूंगा 5, और इन दोनों के जगह क्या लिखूंगा 5। तो मैंने क्या किया, ये इसको हटा दिया, और यहां पर मैंने दो रेजिस्टर लगा दिए, एक 5 का और दूसरा भी 5 का। अब है तो ये पैरेलल में, लेकिन उससे पहले जरा इनको तो सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, अब दोनों सीरीज में है, ये 5 5 कितने हो जाएंगे 10, फिर हटा के इनको मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया 10। भाई आपको समझ आया ना 10 कैसे आए, पहले यहाँ पर 5 5 के दो आए थे, उनको सॉल्व करके 10 आया ये। अब तीनों कैसे हैं ये पैरेलल में, तीन पैरेलल में, तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें, 1/10 यानी कि 1/5 बेसिकली मैं लिखता हूँ यहाँ पे, प्लस 1/10 प्लस 1/5 एलसीएम 10 2 1 2 2 2 4, अरे हाँ हाँ 2 2 4 और 1 5 बटे 10 यानी कि 1/2 उल्टा करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये क्या निकला अपने पास R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कितना है अपने पास, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम। ऑलराइट, R इक्विवेलेंट अपने पास 2 ओम आता है, तो बताइए जल्दी से पुट करिए I की वैल्यू यहाँ पर, I की वैल्यू निकालने के लिए V की वैल्यू कितनी है 10, R की वैल्यू 2 कितना 5, I की वैल्यू 5 एम्पियर। खतरनाक, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस सीखा यार? नहीं ना, फिर घबराते कहीं को यार, तुम जल्दी जल्दी ना चिपका दो ना, जल्दी से चिपका अपने नोट में, और फिर हम उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक और न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर है, इसको भी आपको सॉल्व करना है और आपको निकालना है ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट। कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में आर इक्विवेलेंट जल्दी से निकाल दीजिएगा भाई साहब। ट्राई करिए पॉज करके, नहीं तो फिर मैं करता हूँ। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। राइट, देखो यहाँ पर आपको सोचना है कि ये दोनों कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। भाई सर आपने कैसे सोचा, मैं यहाँ से गया चेक करने, यहाँ क्या आ गया जंक्शन, नहीं कर सकता सॉल्व। फिर यहाँ से गया, नहीं आया जंक्शन, आया नहीं कर सकता सॉल्व। आगे बढ़ा, आगे कोई जंक्शन नहीं है, दोनों एक लाइन में आते हैं। तो दोनों सीरीज में, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक आ गया 4 ओम का रेजिस्टर। राइट, ऑलरेडी यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्या 4 ओम का रेजिस्टर, और यहाँ पर ये दो जुड़े हुए हैं अपने खिलाड़ी भाई साहब चार चार के। भाई इसको सॉल्व करके मैंने चार लिख लिया, ये चार यहाँ पे था, ये चार चार के इधर रखे हुए हैं। हाँ, अब ये चार चार कैसे हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए, दोनों पैरेलल, चार चार का पैरेलल निकालें कैसे, चार चौक 16, 16 बटे चार और चार 8, 2। अरे हाँ, चार गुना में चार, चार जमा में चार बराबर 2। तो यहाँ से कितना आ गया, ये तो आ गया आपके पास 4, यहाँ पे कितना आ गया इनको सॉल्व करके 2, यहाँ पे कितना दिया आपके पास 4। अब सारे कैसे हो गए सीरीज में, 4, 2, 6, 4, 4 और 2, 6 और 4, 10, आंसर आता है 10 ओम। अगर ये क्वेश्चन आपका सही था बहुत बढ़िया, गलत था सीखें। नए नए क्वेश्चन सीखने के लिए प्लीज़ वीडियो को जरूर लोगों तक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, और कमेंट में लिखें कि आपको और न्यूमेरिकल्स चाहिए कॉम्बिनेशन बेस। क्लास टेंथ के बच्चों, मैं आपको हर बात सिखाने वाला हूँ, हर एक पॉइंट। एक बार आप बताइए तो सही कि हाँ मैं ये वाली चीज़ नहीं आई, जस्ट मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेगा। राइट, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी मुलाकात, आप जैसा लिखेंगे उसी बेस मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।